रादौर के छोटाबांस के पास सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर दो कारों की भिड़ंत में 5 युवक घायल। शुक्रवार दोपहर सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर रामविचार वाटिका छोटाबांस के पास दो कारों के बीच हुई भिड़ंत में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पाकर रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सरकारी हॉस्पिटल रादौर में भर्ती करवाया गया, लेकिन एक कार में सवार 4 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद यमुनानगर रेफर कर दिया गया। इस बारे जानकारी देते हुए जांच अधिकारी राजेश राणा ने बताया कि दो कारों की आमने सामने की टक्कर हुई थी, जिसमें एक कार में जगाधरी के 4 युवक पारुल, अमित, राजेश व राजीव कुरुक्षेत्र किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही यह रामविचार वाटिका छोटाबांस के पास पहुंचे तो विपरीत दिशा से दूसरी कार में सवार यूपी के देवबंद निवासी निजाम खान व आरिफ के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। ये अभी एक घंटा पहले की बात है, कोई दो गाड़ियां हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है JMIT से थोड़ा आगे, तो जिनमें 4 बंदे इंजर्ड हैं और जिनको अभी यहाँ से रेफर होके वो सिविल अस्पताल यमुनानगर गए हैं। ठीक है जी, उसके बाद दूसरे जो इंजर्ड है दूसरी कार वाले वो भी आ रहे हैं, उनका देखते हैं अभी उनको। ये एक रामनगर यमुनानगर के जगाधरी के हैं 4 लड़के और 2 देवबंद यूपी से हैं, करेटा कार वाले। आमने सामने एक्सीडेंट हुआ, तो ये पता लगा जो 4 बच्चे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये कुरुक्षेत्र के अंदर कोई इनका फंक्शन था, कोई रिटायरमेंट का, उसमें जा रहे थे, तो वहाँ यहाँ आते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया, तो अभी कार्रवाई चल रही है। रादौर सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 2 दिन से कोविड वैक्सीन खत्म होने के बाद टीकाकरण करवाने पहुंच रहे लोग परेशान। रादौर सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 2 दिन से कोविड वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा कोविड वैक्सीन उपलब्ध न होने संबंधी एक नोटिस भी लगा दिया गया है, जिससे हॉस्पिटल में टीकाकरण कराने पहुँच रहे लोगों को मायूसी झेलनी पड़ रही है। वैक्सीनेशन कराने पहुँच रहे लोगों ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था, लेकिन यहाँ पिछले 2 दिन से वैक्सीन खत्म होने की बात कही जा रही है। उन्होंने मांग करते कहा कि अगर हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं है उस संबंधी संदेश भी उनके मोबाइल में भेजना चाहिए, ताकि लोगों को यूं परेशानी न झेलनी पड़े। वैक्सीन नहीं है 2 दिन से बिल्कुल भी, और हम यहाँ पर आए और बहुत से बुजुर्ग लोग यहाँ से खाली चले गए। मांग तो यही है भाई, जो है ना वैक्सीन होनी चाहिए, जो उनको सेकंड टीका लगवाने इतने दूर दूर से आते हैं लोग और वो खाली वापस चले जाते हैं परेशान होकर। अब जब मोबाइल पे या तो उनको सूचना दें, यहाँ नोटिस बोर्ड पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, नोटिस लगा देते हैं। हमने 1 अप्रैल को पहली डोज लगवाई थी और अब दूसरी डोज के लिए इन्होंने कहा था 28 दिन के बाद आना, तो कल भी हम यहाँ आए, परसों भी और आज भी आए, किंतु कोई सूचना नहीं, बाहर एक चिट लगा दी कि भाई दवाई खत्म हो चुकी है। बता दें कि कल 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 18 प्लस आयु वर्ग को वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया जाएगा, लेकिन रादौर सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 2 दिन से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार को हॉस्पिटलों में उचित मात्रा में वैक्सीन भेजनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा कोरोना महामारी से अपना बचाव कर सकें। उठान की धीमी गति के चलते 3 मई तक मंडी में खरीद कार्य बंद किए जाने पर भड़के किसानों ने किया प्रदर्शन। रादौर अनाज मंडी में फट पर खुले आसमान के नीचे पड़े गेहूं का उठान न होने के बाद सरकार व प्रशासन ने शुक्रवार को मंडी में 3 मई तक के लिए गेहूं की खरीद बंद कर दी। गेहूं की खरीद न होने व बारदाना न मिलने से गुस्साए किसानों ने शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला युवा प्रधान संदीप टोपरा के नेतृत्व में सरकार व प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार पर गेहूं की फसल न खरीदने व बारदाना न देने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि यदि जल्द खरीदना शुरू हुई तो किसान सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मार्केट कमेटी रादौर के सचिव जयसिंह ने बताया कि मंडी में उठान कम होने के कारण 3 मई तक खरीद कार्य बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 मई को आदेश मिलने पर खरीद की जाएगी। सिटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान देवी दयाल अरोड़ा ने शुक्रवार को अपनी 47वीं मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर रादौर के बस स्टैंड के सामने स्थित नगरपालिका पार्क में एक बड़ा डस्टबिन भेंट किया है। इस अवसर पर प्रधान देवीदयाल अरोड़ा ने बताया कि पार्क में डस्टबिनों की भारी कमी है, जिस कारण लोग गंदगी को इधर उधर फेंककर पार्क में गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की ओर से यह निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन से जुड़े लगभग 30 सदस्य अपने जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी पर पार्क में बड़ा डस्टबिन भेंट करेंगे। वहीं डस्टबिन के लिए लोहे का स्टैंड एसोसिएशन की ओर से भेंट किया जाएगा, जिससे पार्क में डस्टबिनों की कमी को दूर कर पार्क को साफ सुथरा बनाया जा सकेगा। रादौर क्षेत्र में तेज हवा के बाद आगजनी की घटनाओं से लाखों रुपए का नुकसान। वीरवार की देर शाम रादौर क्षेत्र में आई तेज हवा के कारण गांव सिलीकला में गांव खुर्दबन की BPL कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से काफी किसानों के भूसे के कूप व कई एकड़ में खड़े गेहूं के फाने जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने रादौर के गांव सिलीकला में पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गांव खुर्दबन की BPL कॉलोनी में भी लगभग 10 किसानों द्वारा लगाए गए भूसे के कूपों में तेज हवा के दौरान
अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिस कारण आग लगने से 10 से अधिक किसानों का लाखों रुपए का भूस जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने देर रात तक घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। गांव सिलीकला में 3 एकड़ के 2 कूप व 1 एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। वहीं गांव गुमथला के आसपास भी आगजनी की खबरें प्राप्त हुई हैं।